अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 टू एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 के तीन पार्ट डिस्कस किए हैं। चौथा पार्ट उसकी स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिखी और इसकी लिमिट है x अप्रोचेस टू 1। डायरेक्ट जब लिमिट पुट करेंगे आप तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 का क्यूब माइनस 1। ये तीन तीन से कट गया, 1 1 के साथ कट गया, ये 1 का क्यूब जो है ये 1 के बराबर होगा माइनस 1। तो आपने देखा ऊपर भी आंसर 0 आ जाता है, नीचे भी 0 आ जाता है, 0 ओवर 0 फॉर्म। तो 0 ओवर 0 फॉर्म चेक करने का एक नंबर होता है, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये स्टेप आपने पेपर के अंदर मिस नहीं करना, वरना बास का इसका आधा नंबर होता है इस स्टेप का, बास का पूरा एक नंबर स्टेप का रखा जाता है। तो बी केयरफुल कि ये स्टेप आपने जरूर करना है 0 ओवर 0 फॉर्म वाला। अब जरा गौर से देखें, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1, ये तो x माइनस 1 का क्यूब नहीं बन रहा, ये तो ये देखिए x माइनस 1 के क्यूब को अगर खोला जाए, ठीक है, तो उसका यही आंसर आता है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1। आप जो है ये इसके ऊपर a माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला लगा के देखें, यही आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1 का क्यूब। x माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। एक्स क्यूब माइनस 1 को मैंने कैसे लिख दिया, x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब यूजिंग, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। आप उस फॉर्मूले का दोबारा इस्तेमाल यहां पे होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 बगैर क्यूब के लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये ऊपर एक्स माइनस 1 का क्यूब है, नीचे एक्स माइनस 1, तो कैंसिल होने के बाद ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर आ जाएगा, एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू, ये एक्स माइनस 1 मिस हो गया था वो मैंने यहां पे लिख दिया, नहीं सॉरी वो तो कट गया, सॉरी ये कट गया है। अब आपने क्या करना है, एक्स की जगह पे 1 पुट करना है, 1 पुट किया 1 माइनस 1 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, 0 ओवर 3, तो आपका आंसर किसके बराबर आ गया, 0 के इक्वल, 0 आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। जब हमारा आंसर आता है इंफिनिटी या 0 में 0 फॉर्म, जब इंफिनिटी आता है आंसर, फिर तो हम कह देते हैं इसकी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा पार्ट डिस्कस करते हैं। अब पांचवा पार्ट है इसका, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 1, एक्स अप्रोचेस टू माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें जब आप लिमिट पुट करते हैं माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये जो है निशान, ये की का निशान है, ठीक है, ये माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया मंथी 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये मेरे पास आ गया जी ऊपर माइनस 1
प्लस वन, वन माइनस वन, तो एक मरतबा फिर ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म आ गई। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन, ऊपर से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वन आ गया, अब नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसके ऊपर लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहां पे फिर आएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक्स प्लस वन के साथ कैंसिल, ऊपर आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वन। ये देखिए जरा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन एक्स स्क्वायर, ये एक्स प्लस वन से कैंसिल हो गया और नीचे आ गया एक्स माइनस वन। अब आप लिमिट पुट करेंगे एक्स की जगह में माइनस वन, तो ऊपर आ जाएगा मनफी वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस वन माइनस वन, योर आंसर इज वन ओवर माइनस टू, जिसको आप माइनस वन ओवर टू लिखेंगे। तो इसका जो है ये पांचवा पार्ट जो है ये भी अपने अंजाम को पहुंचा। अब हम इसका छठा पार्ट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू सिक्स पार्ट। क्वेश्चन नंबर टू का छठा पार्ट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फोर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फोर टू एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी टू डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर, एक मरतबा फिर हम एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, फोर माइनस थर्टी टू डिवाइडेड बाई फोर का क्यूब माइनस फोर इंटू फोर का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर लेंगे सिक्सटीन, सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाय टू, आंसर इज थर्टी टू, थर्टी टू थर्टी टू से कट गया, ऊपर भी जीरो आ गया नीचे भी सिक्सटी फोर माइनस सिक्सटी फोर, एक मरतबा फिर ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन गई। जब जीरो ओवर जीरो फॉर्म बनेगी तो फिर उसके बाद आपने फैक्टराइजेशन की तरफ जाना है, सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना है। ये देखिए जरा, ऊपर से आपको टू कॉमन नजर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन, और नीचे से आपको एक्स कॉमन नजर आएगा, एक्स स्क्वायर सॉरी, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर आया एक्स माइनस फोर। एक मरतबा फिर हम उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फोर टू इंटू, इसको आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस फोर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस फोर। अब ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली फॉर्म बन गई, एक दफा ऐड एक दफा माइनस करेंगे दोनों को, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फोर टू इंटू एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस फोर, ये दोनों आपस में कैंसल, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फोर टू इंटू एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब आप x की जगह पे लिमिट पुट करेंगे, लिमिट है आपकी x अप्रोचेस टू फोर, तो टू इंटू फोर प्लस फोर डिवाइडेड बाई फोर का स्क्वायर, फोर प्लस फोर एट, एट मल्टीप्लाई बाई टू, योर आंसर इज सिक्सटीन,
डिवाइडेड बाय 16, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर किसके बराबर आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सातवां पार्ट जो है वो अब हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सातवां पार्ट है उसके अंदर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस टेक्निक को आपने गौर से सुनना है और इसी तरह के जो बाकी मादा क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आप खुद ब खुद कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो उस तरह की वो आप इंशाल्लाह खुद सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सातवां पार्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, वही सिचुएशन जब आप एक्स की जगह पर 2 पुट करेंगे अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 2 माइनस 2 तो 0 बाय 0 फॉर्म आ गए। एक बात याद रखें, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें ये एक फैक्टर है उसके ऊपर एक जजर है, ये दूसरे वाला है उसके ऊपर जजर है, ठीक है, स्क्वेयर रूट है जिसके ऊपर, उसको हल करने का तरीका ये है कि अगर यहां पे प्लस है तो इसके माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, अगर माइनस है तो प्लस के साथ डिवाइड कर देना आपने, तो आपका जिस तरह का भी सवाल होगा वो निकल आएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। By अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2 एक में मेथड ये बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको एक दूसरा मेथड बताऊंगा फैक्टराइजेशन की मदद से भी आप इसको हल कर सकते हैं, लेकिन इस टेक्निक से इस तरह का हर सवाल निकल आएगा, उस टेक्निक से हर सवाल नहीं निकलेगा। मैंने क्या किया, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए अंडर रूट एक्स ऊपर प्लस अंडर रूट 2 नीचे क्या आएगा, एक्स माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2, इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखिए ये वो फॉर्म बन गई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये पिछले क्वेश्चन के अंदर किसके बराबर होता है, पहले वाले का स्क्वेयर माइनस दूसरे वाले का स्क्वेयर, तो यहां पे हम पहले वाले का स्क्वेयर लेंगे अंडर रूट 2 का स्क्वेयर, सॉरी अंडर रूट एक्स आएगा जी, अंडर रूट एक्स का स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वेयर ओवर एक्स माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2, ये स्क्वेयर और जजर आपस में कैंसिल, स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ऊपर आ गया एक्स माइनस 2 नीचे आ गया एक्स माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, पेपर में ऐसे नहीं करना, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पेपर में डायरेक्ट आप ऐसे लिखेंगे 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2। अब आप एक्स की जगह पर जब लिमिट पुट करेंगे तो 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो जवाब आ गया 1 ओवर 2 अंडर रूट 2। सो आपने देखा कि मैथमेटिक्स कितना आसान है, लोग हमें इस सब्जेक्ट से भागते हैं, ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, सो सिंपल सो इजी। अब जो है इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड के साथ सॉल्व करता हूं, फैक्टराइजेशन का मेथड है, उसके बाद ये आपके अपने अपनी पसंद होगी अपनी चॉइस होगी, जौन सा मर्जी मेथड जो है वो आप इस्तेमाल करें। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्वेश्चन नंबर 2 सेवंथ पार्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2
अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। जीरो ओवर जीरो फॉर्म ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए जरा फैक्टराइजेशन का तरीका सीखें। अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट टू है, इसको अगर मैं लिख दूं अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सो सिंपल, सो इजी जेंटलमैन, लिखा जा सकता है, क्योंकि जब दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो यही आंसर आएगा। ये जब दोनों कैंसिल होंगे तो यही आंसर आएगा। अब ये देखें, ये तो मुझे लगता है जैसे किसी एक चीज का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आज आपका पीछा नहीं छोड़ा, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो तो एक दफा ऐड करेंगे एक दफा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक दफा ऐड करेंगे एक दफा सब्ट्रैक्ट करेंगे। अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट टू, ये देखिए जिस पर फॉर्मूला अप्लाई होने जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक दफा ऐड कर दिया एक दफा सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस अंडर रूट टू। ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में, ठीक है। आपके पास बच गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, वन ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट टू। अब फिर जब आप एक्स की जगह पे टू पुट करेंगे तो यू विल सी दैट द आंसर इज द सेम एज यू हैव डन इन द प्रीवियस मेथड, एंड दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर। सी यू टुमारो इंशाल्लाह, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। लेक्चर खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें, और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ें। ये मुफ्त के लेक्चर जो हैं ये आपको डिलीवर कर रहे हैं हम, ये आपके जो दूसरे कजन्स वगैरह दूसरे शहरों में हैं या दूसरे दोस्त या दूसरे कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनको भी ये लिंक सेंड करें ताकि वो भी घर बैठे जो हैं इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।